आणि उपस्थित सर्व सर्व इन्फ्लुएन्सरचे मी संस्थेतर्फे या ठिकाणी स्वागत करतो. श्री सिद्धिविनायक सेवा ट्रस्टचे अध्यक्ष नागपूर शहर पुष्पगुच्छ और आगे आप शुरू से इसके पहले हमने दो सामाजिक विषयों को भी ये टेंट में भूल होते हैं, कुर्सियां टूटी हुई होती हैं, चम्मच गाय होते हैं, तो मेरा जो 24 घंटे का काम हो गया था, दो साल से मेरी पूरी जिंदगी रुक गई है इस चक्कर में. आज की युवा पीढ़ी को सावरकर जी की जर्नी दर्शाने के लिए ये मूवी बनाई गई है. जी. इस मूवी में ऐसे और कौन से पार्ट है जो युवाओं को कनेक्ट करता है? जी, सबसे बड़ा पार्ट तो ये है कि हम सबको ये पढ़ाया गया है कि भारत को आजादी सिर्फ अहिंसा से मिली है. एक तो ये चीज गलत है और वो भी चंद लोगों ने हमें दिलाई है, ये चीज भी गलत है. इस मूवी के माध्यम से वो देखेंगे कि हजारों लाखों और ऐसे लोग थे जो देश के लिए मर मिटे थे, जो सिर्फ वही नहीं उनके परिवारों को भी क्या तकलीफ रही थी, वो सब चीजें देखने को मिलेगी. और काला पानी बोलते हैं उसमें होता क्या था वो सब देखने को मिलेगा. और एक एक अलग एक छुपा हुआ इतिहास और एक छुपी हुई कहानी जो कि हम लोगों से कहीं ना कहीं इतिहासकारों ने छुपाई है, उसको इतना तवज्जो नहीं दिया है, वो शायद आज युवा पीढ़ी को दिखेगा और उसके ऊपर सवाल उठाएंगे. जैसा कि मैंने कहा, किसी भी कला का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो लोगों में सवाल उठाए. मैं चाहूंगा कि युवाओं के अंदर भी सवाल उठे और वो अपनी हिस्ट्री और पढ़ें और पहलू पढ़ें. और हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई जाती है कि हम वो रिपीट ना करें, तो यही मेरी इससे अच्छा. इसके अलावा मस्जिद में कुछ गलत जी 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 मैं जो पूना में उनका परिवार है उनसे भी, सावरकर स्मारक में रंजीत सावरकर जी है उनसे भी सबसे मेरी मुलाकात रही है और उनको भी पिक्चर बेहद पसंद आई है. उनका भी यही मानना था कि कैसे करके तुमने इतने कम समय में 53 साल की कहानी बता दी, पर उनका यह भी मानना था कि मैंने कुछ ऐसा पहलू छोड़ा नहीं जिसमें कि लोग आज जिनका लोगों को उसका उत्तर ना मिले. सॉरी, आपको क्या लगता है वो क्यों उनका विरोध करते हैं और आपको क्या नजर देना है? देखिए, राजनीतिक रीजन से ही सावरकर जी पे लालचनाएं लगाई जाती हैं या उनका पुतला तोड़ा जाता है. मैं उनसे कहूंगा कि इतिहास को एक बार फिर पढ़े, एक बार अच्छी तरह से पढ़े, उसको जाने, कहीं सुनी बातों पे ना जाए, तो शायद वही लोग सावरकर जी से माफी मांगेंगे. बनाने के लिए आपने कलापानी जेल में जी दौरा भी किया, मैंने शूटिंग भी वहां की. हमने 15 दिन काला पानी में शूटिंग की सेलुलर जेल में और वहां की अथॉरिटीज ने हमें अलाउ भी किया. उस वक्त लेफ्टिनेंट जो जनरल गवर्नर थे उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की. रशीता जी जो वहां पे इतिहासकार है और उसका देखभाल करती है, उन्होंने बहुत सारी हमें कहानियां भी बताई और हमें शूट करने की परमिशन भी दी. और वो बहुत ही दर्दनाक और कठिन शूटिंग भी थी हमारे लिए और वहां पे रहना, वहां पे ये सारी आत्माएं अभी भी आपको महसूस होती है, बहुत ही दर्दनाक जगह. जब भी कोई मूवी हिस्ट्री में बनती है या किसी भी रेवोल्यूशन में बनती है तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर की डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है. उनके पास चलने के लिए एक जरिया होता है सच बताने का, लोगों तक सच पहुंचाने का. आपने भी बात बोली की संभावना कई सारे खुलासे किए हैं, बात को लोगों को नहीं पता है पता चलेगी. तो लेकिन हमारे देश में एक बात होती है कि या तो लोग नई बातें एक्सेप्ट नहीं कर पाते या फिर हमें उनको झूठ लगता है. तो क्या आपको लगता है कि फिल्मों का पर्सपेक्टिव जो है बदल पाएगी? देखिए, जो ये फिल्म देखेगा उसे ये पता चल जाएगा कि ये फिल्म किस प्योरिटी से बनाई है, किस शिद्दत से बनाई है. और बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी मुझ पे कि मैं कहीं सावरकर जी जो व्यक्ति थे वो कहीं लोगों तक ना पहुंच पाए, ना लोहा मान सके अपनी वो कर सके. क्योंकि आज भी हमारा देश की जो
वर्ल्ड में वैल्यू है, वो हमारी डिप्लोमेसी अच्छी है, हमारी बहुत यंग पॉपुलेशन है, हमारी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। सिर्फ इसीलिए ही नहीं, आज हमारे सेना के पास सबसे ज्यादा आधुनिक हथियार है, हम खुद अपने जहाज हथियार टैंक खुद बना रहे हैं। इसीलिए ही, और यही सावरकर जी का सपना था कि देश जितना सशस्त्र होगा उतना ही हम अहिंसा लोगों से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। जी बिल्कुल एड्रेस किया है, वो माफीनामा नहीं था, वो बेल याचिका थी जो कि हर एक जुडिशियल प्रोसेस का हिस्सा होती है। सावरकर जी खुद एक वकील थे तो उन्होंने बहुत सारी ये याचिकाएं लिखी, अपने लिए ही नहीं बहुतों के लिए लिखी, और अपनी याचिका में वो हमेशा लिखते थे कि अगर मेरा छोड़ना तुम्हारे इस जेस्चर ऑफ गुडविल को, पॉलिटिकल बिजनेस को छोड़ने में बाधा आता है तो मुझे उसमें इंक्लूड ना किया जाए, पहला तो ये। दूसरा, गांधी जी ने उनकी आखिरी बेल याचिका पे एडवाइस किया था कि बहुत तुम बहुत अच्छे लेखक हो, इतनी लंबी लंबी मत लिखो, टू द पॉइंट लिखो, और वो स्वीकार होंगी। गांधी जी ने भी उनके लिए लेख लिखे थे, उनके लिए अंग्रेज गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी, तभी वो जेल काला पानी से निकले थे। इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा एक सवाल वापस पार्टी वालों, उस पार्टी वालों की तरफ है कि अगर वो इतने माफी भी थे और उन्होंने माफी मांगी और अंग्रेजों ने उनकी माफी मान ली तो उनको 27 साल बंदी बना के क्यों रखा? सिर्फ इसका मुझे उत्तर दे दीजिए, उनको 27 साल बंदी बना के क्यों रखा? वो आपको अडैप्ट करने में कितना टाइम लगा और आपने उसको अडैप्ट करके आपकी लाइफ में रणदीप हुड्डा की लाइफ में क्या चीज है? देखिए, मेरा अपने आप से भी पहला ये सवाल था जब ये फिल्म मेरे पास आई थी कि मैं उन जैसा दिखता नहीं। तो फिर मेरे मेकअप में रुनिका पिल्ले ही हमारी मेकअप डिजाइनर, उनके साथ मिलके मैंने 32 वर्ग किलो तक वजन घटाया काला। मुझसे जो पहले पूछा गया कि सावरकर जी पे क्यों पिक्चर बनाना चाहते हो भाई, तुम्हारे तो इंडस्ट्री से काम से नाता टूट जाएगा, तुमको एक तरह का एक्टर मानने लग जाएंगे। तो मैंने कहा कि सावरकर जी पे क्यों ना बनाएं, ऐसा क्या हो गया कि सावरकर जी पे हम पिक्चर नहीं बना सकते? उनके बारे में वो बहुत कम जानते हैं, और जो मेरे को भी इतना नहीं पता था, जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी क्रांति, उनके लेख, उनकी तपस्या जो उन्होंने की थी एक अखंड भारत के लिए, जो उनका सपना अधूरा रह गया, वो सब देखते हुए मुझे लगा कि मैं ये कहानी एक ऐसे तरीके से बनाऊं कि इससे युवा भी जुड़े और लोगों को उनके जीवन से प्रेरणा मिले और उनकी सोच और उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो लोगों तक पहुंचे, जो कि कुछ उनके साथ नाम जोड़ के लोगों को उनसे तोड़ा गया है, उनके ऊपर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे गांधी जी की असैसिनेशन से जो कि झूठे निकले, और तब से उनकी कहानी को दबाने की जो कोशिश की गई है, मेरा ये मानना है और मेरी ये चाहत है कि मेरे फिल्म के जरिए वो कहानी सभी तक पहुंचे, क्योंकि उनकी कहानी को कहीं ना कहीं हमसे जुदा रखा गया है, पूरे देश से उसको छुपाया गया है, और वो क्यों छुपाया गया है उसके लिए आप फिल्म देखिए और आप खुद जानिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर का योगदान हमारे देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए, और आज जो हमारे देश की सोच है, जो हम एक कुटुंब की तरह जुड़ रहे हैं, उसमें उनका क्या योगदान है? जब वो
शूट करने में तो समुंदर वाला ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस पानी में मगरमच्छ बहुत थे और मेरा एक घुटना टूटा हुआ था। उसके बावजूद मैंने समुंदर में छलांग लगाई और ब्रेस लगा के मैं बीचेस पे भागा उनके, उसके लिए तो मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। अगर उनकी जिंदगी में ऐसे बहुत मोड़ आए, अगर उस दिन वो फ्रांस में निकल जाते तो शायद हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान आज कुछ और होता। जी 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 बिल्कुल, पूरा उनका जो काला पानी का जो एक चैप्टर था, मैंने भी ये स्क्रिप्ट एक रूम में बैठ के लिखी थी, पर जब मैं काला पानी गया रेकी के लिए तब मुझे एहसास हुआ कि कितना दर्दनाक और कितना भयानक हमारे क्रांतिकारियों को, जो भी अहिंसा से हट के अंग्रेजों मुट्ठी भर अंग्रेजों को मार के भगाना चाहता था, उनके साथ क्या कुछ नहीं किया अंग्रेजों ने। उनकी 7x11 की वो सेल में मैं 5 मिनट भी अकेला नहीं रह सका, मुझे लगा वो दीवारें वो छत मुझ पे गिरने वाली हैं, सांस वहां पे कम आता है, हवा कम है, मच्छर बुरा हाल, और उनको कोल्हू पे जो तेल निकालने के लिए लगाया गया था वो तो एक किसी जानवर को भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करते। क्योंकि तो मैंने कोशिश की थी, मैंने वहां पे कोल्हू बनवाया था जो सावरकर जी वाला कोल्हू, मैंने वैसा ही कोल्हू बनवाया था और उसमें एक बूंद तेल निकालने में कितना जान लगती थी मेरे को मैं ही जानता हूं। और जैसे उनको वहां पे दीवार पे एक रिंग के ऊपर बांध देते